जी हाँ दोस्तों, जो बड़ी खबर आ रही है आपको बता दें, जज का काम फैसला देना, उपदेश देना नहीं। दो मिनट का मजा पर घिरी कलकत्ता हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों बदला फैसला। खबर में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को आपत्तिजनक एवं उपदेशमातक बताया है, जिसमें लड़कियों को यौन इच्छाओं पर काबू करने की सलाह दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के उस फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें लड़कियों को अपनी इच्छाओं पर काबू रखने की सलाह दी गई थी। मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायाधीश का काम निर्णय लेना है, उपदेश देना नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कलकत्ता हाई कोर्ट की टिप्पणी आपत्तिजनक, अप्रेसिंग, उपदेशमातक और अनुचित है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि इस निर्णय से गलत संकेत गया है। दरअसल कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस चित्रंजन दास और पार्थ सारथी सेन की पीठ ने 18 अक्टूबर 2023 को इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि किशोर लड़कियों को इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए, दो मिनट के सुख के लिए ये बचना चाहिए। इसके साथ ही नाबालिग से गलत काम के दोषी युवक को बरी कर दिया गया। कलकत्ता हाईकोर्ट की टिप्पणी का किशोरी की निजता के अधिकार के संबंध में शीर्ष से सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइया की पीठ ने सुनवाई की। बता दें मंगलवार 20 अगस्त 2021 को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया और उनकी टिप्पणियों पर असहमति जताई। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा, न्यायालय के निर्णय में न्यायाधीश की विभिन्न विषयों पर व्यक्तिगत राय शामिल नहीं हो सकती। इसी तरह न्यायालय द्वारा परामर्श क्षेत्र अधिकार का प्रयोग पक्षों को सलाह देकर नहीं किया जा सकता। न्यायाधीश को इस मामले का निर्णय करना होता है, उपदेश देना नहीं होता।